सिलसिला बाजारों का में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रूपा मेहता जी जुड़ी हैं, जानेंगे एग्री कम्युनिटी में आज क्या कुछ करके चला जा सकता है। शुरुआत करते हैं कैस्ट्रो सीड से। बता दें कैस्ट्रो सीड 7,310 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है और कैस्ट्रो सीड में आज तेजी देखने को मिल रही है। तो रूपा जी, कैस्ट्रो सीड के बाजार के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कैस्ट्रो सीड में अभी भी बाजार जो है एक रेंज बाउंड है और एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने जहां इसको 7200 के आसपास कारोबार करते देखा, आज वापस से मार्केट जो है थोड़ा सा रिकवरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल वही रेंज जो है वो कंटिन्यूशन में है। 7400 के ऊपर जाएगा तब इसमें लंबी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो 7340 तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। वही अगर कॉटन सीड ऑयल के की बात करें तो ये 2741 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है, इसमें आज गिरावट देखने को थोड़ी बहुत मिली है। तो आपको क्या लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में कोई सुधार देखने को मिलेगा? देखिए, कॉटन ऑयल केक अभी ऊपरी स्तरों पर प्रेशर वाला ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें दबाव बन सकता है और ये दबाव नीचे में 2600 तक जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए 2680 के टारगेट के लिए इसमें भी क्वाली करके चला जा सकता है। वही रूपा जी, ग्वार गम ग्वार सीड पे नजर डाले तो बता दें ग्वार गम 9540 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है, वहीं ग्वार सीड भी 5227 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है। दोनों ही कॉमोडिटीज में आज तेजी देखने को मिली है, तो क्या लगता है आपको कैसा रहेगा ग्वार गम ग्वार सीड का बाजार? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड में भी ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है हमने लगातार बनते हुए देखा है, लेकिन अब मार्केट जो है थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। गम की बात करें तो 9200 के आसपास सस्टेनेबिलिटी आ सकती है, तो वहीं सीड भी 5120 से लेकर 5080 के आसपास जो है नीचे में लुढ़क सकता है और वहां से एक बार रिबाउंड आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी इंट्राडे में थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है, थोड़ा सा वेट करें, नीचे डिप मिले तो वहां पर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है जी। वही अगर मसालों पर नजर डालें तो बता दें कि धनिया 11790 पर ये लगभग ट्रेड करता दिखा है, वहीं जीरा भी 23720 पे और हल्दी 7812 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है। तीनों ही कॉमोडिटीज में आज तेजी देखने को मिली है। तो मसाले के बाजार में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ ट्रेंड रह सकता है मसाले का? देखिए, जहाँ तक मसालों की बात है, मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। अभी आज हल्का सा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जीरा मुझे काफी अच्छा लग रहा है अभी भी यहाँ से। धनिया जरूर ऊपरी स्तरों से कल फिसला था, लेकिन आज वापसी से थोड़ा सा खरीदारी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड देखिए मसालों में पॉजिटिव है। अगस्त ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। जीरा जो है वो 24,000 के पास जा सकता है और धनिया जो है उसमें 13,000 के स्तरों के लिए निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है जी। रूपा जी, प्याज को लेकर एक खबर सामने आई है कि प्याज के गिरते दाम से जो किसान परेशान है वो आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उपहार में राष्ट्रपति को वो 1 टन प्याज देने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस कदम के बाद क्या कुछ फर्क पड़ सकता है प्याज के भाव में? देखिए, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि हाँ। ये खबर जरूर निकल कर आ रही है कि किसान जरूर परेशान है और वो इस वजह से क्योंकि उनको कम कीमत पर प्याज बेचना पड़ रहा है और उनकी लागत नहीं निकल पा रही है। बिल्कुल वो हो सकता है कि सरकार से गुहार लगाए कि इसका कुछ प्राइस जो है वो स्टेबल किया जाए। और अभी पिछले 3 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि प्याज के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं और किसानों को 75 पैसे से लेकर 1 रुपए के आसपास प्रति किलो का भाव जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी भाव पर वो बेचने को मजबूर भी है। तो फिलहाल अपनी समस्या को लेकर हो सकता है कि वो राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे और उनको उनसे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्याज के प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए कोई एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे कि किसानों को कम से कम उनकी लागत तो निकलती हुई दिखाई दे। तो फिलहाल के लिए प्याज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी देखें तो कोई भी ऐसी फिलहाल पॉलिसी नहीं है। किसान कई सालों से परेशान है, लगातार हम देखते हैं कि कभी तो प्याज का भाव 60 रुपए के ऊपर निकल जाता है, 100 रुपए भी होता हुआ हमने देखा है। लेकिन इस बार जो है वो प्याज की क्रॉप अच्छी खासी है और जिस वजह से किसानों को प्राइस जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं और इसी वजह से उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है और जो स्टोर किया था प्याज वो भी खराब होने लगा है और उसको भी किसान अब बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। तो इसको लेकर कोई सरकार से जरूर गुहार लगाने की कोशिश है कि कुछ पॉलिसी तय की जाए। और कीमतों की जहां तक बात है, अभी क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा खासा है
और अभी प्राइजेस जो है और नीचे जा सकते हैं, और नीचे इन द सेंस रिटेल में प्राइजेस नीचे जा सकते हैं। किसानों को तो वैसे ही बहुत कम प्याज के दाम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अभी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है मार्केट को लेकर। रिटेल में प्राइजेस यहीं पर सस्टेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसमें अभी फिलहाल कोई तेजी की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, अगर कपास की बात करें तो कपास का रिकॉर्ड भाव देखने को मिला है, तो वहीं साथ ही किसान ने इसके उत्पादन में भी आगे बढ़ोतरी की है, लेकिन बारिश के चलते कपास की फसल कहीं ना कहीं बर्बाद भी हुई है, और दूसरी तरफ जो बची कुची कसर रह गई थी वो गुलाबी सुंडी ने पूरी कर दी है, उसके प्रकोप से कपास की कई फसलें खराब भी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस वजह से क्या कपास के भाव गिरेंगे, क्या उत्पादन में कमी आएगी? देखिए प्राइजेस की जो बात है अभी तो करेक्शन में है मार्केट और अभी तो स्लिप रहेगा, लेकिन हाँ जहाँ तक सोइंग की बात है ये बात बिल्कुल जो है देखने को मिली है कि इस बार कपास का प्रोडक्शन ज्यादा सोइंग जो है वो ज्यादा की गई थी, लेकिन गुलाबी सुंडी के आने से काफी जगह पर फसलें खराब होते हुए हमने हरियाणा पंजाब में देखी है, और अभी इसका असर प्रोडक्शन के ऊपर अगले आने वाले टाइम में पड़ सकता है, लेकिन फिर भी इस बार सोइंग बहुत ज्यादा है। अब देखना होगा कि कितनी क्रॉप जो है वो निकल कर आती है, कितना प्रोडक्शन होता है, उसके बाद ही कीमतें तय हो पाएंगी, लेकिन अभी की जो स्थिति है शॉर्ट टर्म रणनीति जो है वो बिकवाली की होनी चाहिए, कपास में फिलहाल तेजी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। रूपा जी सोयाबीन का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एडिबल ऑयल पैक में दबाव बना रह सकता है, चाहे वो सोयाबीन हो या फिर सरसों, सीपीओ सब में प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में बना रह सकता है, अभी बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। जी रूपा जी, वहीं पे मेंथा ऑयल में भी जो तेजी है वो जारी है, देखने को मिल रही है तेजी, तो मेंथा ऑयल के बाजार में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जहाँ तक मेंथा ऑयल की बात है, मेंथा ऑयल में भी जरूर अभी पिछले कुछ दिनों से एक तेजी का सपोर्ट बनता हुआ जरूर दिखाई दिया है, और अभी थोड़ा सा डिमांड जो है वो पिकअप हुई है, जिसकी वजह से एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और अभी ये शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो सस्टेन कर सकता है। जी रूपा जी, हमारे एक दर्शक हैं विशाल, वो धनिये के बारे में जानना चाहते हैं कि धनिये में वो क्या कुछ करके चले। देखिए धनिया में हमें पॉजिटिव लगता है, मार्केट नीचे में एक बार 10,600-10,500 तक हो सकता है लुढ़क जाए, वहां से रिबाउंड आ सकता है, और ओवरऑल ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लगता है, हमें लगता है कि 12,000-12,500 तक सस्टेन कर सकता है। रूपा जी, हमारे एक दर्शक है परमेश्वर और दीपक, ये दोनों ही दर्शक सोयाबीन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए सोयाबीन में अभी थोड़ा सा प्राइजेस में दबाव बना रह सकता है, सोयाबीन में फिलहाल के लिए कोई तेजी का रुझान बनता दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें, अभी एडिबल ऑयल पैक जो है वो प्रेशर में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, एक दर्शक है मूरा राम, वो जानना चाहते हैं कि सरसों के भाव में कब तक तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए सरसों में तो अभी फिलहाल तेजी की उम्मीद नहीं है, अभी तो फिलहाल कीमतें नीचे ही जाती दिखाई दे रही हैं, और अभी पिछले साल के कंपैरिजन में प्राइजेस नीचे आए हैं, और प्राइजेस जो हैं अभी दबाव में बने रह सकते हैं, अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि जिसमें कोई पॉजिटिव मार्केट दिखाई दे रहा हो, अभी के लिए तो मार्केट जो है वो करेक्शन में ही है। रूपा जी, एक दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि बिनौला खल में वो बाइंग करके चले या अभी रुक के चले? देखिए बाइंग के को तो अभी अवॉइड करना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी इन स्तरों पर बाइंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक है विश्वास, वो जानना चाहते हैं कि कपास में कब तक देखने को मिल सकती है, कि कब तक भाव नीचे जाएंगे इसके? देखिए अभी कॉम्बिनेशन में मार्केट प्रेशर में ही है, और अभी तेजी तो नहीं है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 40,000 के नीचे लुढ़कता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि अगर बिनौला खल में बाइंग करके चले तो किस लेवल तक वो चल सकते हैं जिससे उनको मुनाफा हो? देखिए मेरे हिसाब से अभी बाइंग की कोई भी रणनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो बना रह सकता है, और बल्कि ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और मुझे लगता है कि नीचे में एक बार बिनौला खल जो है वो 2600 तक लुढ़क सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बाइंग का रणनीति अपनाना चाहिए, और अगर अगस्त वायदा नहीं तो बल्कि सेप्टेम्बर में सेलिंग की कॉल ली जा सकती है। रूपा जी, एक दर्शक है मनोज, वो जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी कॉमोडिटी रहेगी जिसमें वो मतलब कि एक महीने के अंदर मतलब एक महीने तक मुनाफा कमा सकते हैं, वो जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी कॉमोडिटी है, ऐसा कोई अनुमान?
देखिए अनुमान की अगर बात करें तो सेलिंग साइड में मुझे बिनोला खल अच्छा लगता है, बिनोला खल में मुनाफा आ सकता है, और बाइक की साइड में मुझे मसाले अच्छे लगते हैं, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जीरा ऑलरेडी काफी तेज हो चुका है, इसमें अभी भी पोटेंशियल है, 24 से 24,500 का स्तर जीरे में बनता है। और अगर थोड़ा सा लंबा होरिजन लेकर चला तो हल्दी काफी अच्छी लग रही है, यहाँ से हल्दी में भी बाय करके चला जा सकता है। एक दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि ग्वार गम 10,000 के ऊपर तक कब तक जा सकता है, कोई ऐसा अनुमान? देखिए अभी ग्वार में तेजी बन सकती है, नो डाउट। इस बार जो सिनेरियो अभी निकल कर आ रहा है और जिस तरीके के अभी प्रोब सोइंग के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और स्ट्रोक के ऊपर भी, तो आगे चलकर तेजी बन सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए पहले शॉर्ट टर्म में करेक्शन है और ये बढ़ सकता है, अगर ये 9500 के नीचे सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो हो सकता है 9200 से लेकर 9000 तक गम हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे, वो लेवल्स अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। रूपा जी एक दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि ग्वार गम को वो अभी रोक के चले या फिर निकाल दे, और अगर इसको रोकते हैं तो वो कब तक इसको रोक सके? देखिए अभी तो अगर आपका ऊपर का बाइंग है तो आपको बिल्कुल होल्ड ही रखना पड़ेगा अभी, और किस लेवल पर आपने बाइंग किया है और साथ में फिजिकल में लिया है या फ्यूचर में लिया है, तो इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें। ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है मार्केट, एक रिबाउंड एक्सपेक्टेड है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट कर सकते हैं जी। एक दर्शक है रूपा जी जडेजा वो जानना चाहते हैं कि जीरे में क्या कुछ करके चले, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है इसमें? देखिए जीरे में बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी, जीरे में डिप पर आप बाइंग कीजिए, और अभी इन लेवल्स के ऊपर भी बाइंग थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पर करेक्शन में भी आ सकता है मार्केट, लेकिन टारगेट 24,000-24,500 का एक बार ऊपर में देखने को मिल सकता है। एक दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि कपास का भाव नीचे कितने तक जा सकता है? 40,000 के नीचे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार लुढ़क सकता है जी। ओके तो रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी बात एग्री कॉमोडिटी की कि किस कॉमोडिटी में आप मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि रूपा जी ने बताया कि मसाले में ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, आप आगे मसालों में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज सिलसिला बाजारों का हमें अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।